फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो लिया हूँ और अभी मैं उपमा खा रहा हूँ, डाइटिंग कर ही रहा हूँ अभी मैं, और बीच बीच में कुछ ना कुछ बन जाता है। और कढ़ाई पनीर का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं खाऊँगा थोड़ी देर बाद, या फिर इसके एक दो घंटे बाद जो मैं खाऊँगा वो भी दिखाऊँगा मैं क्या खा रहा हूँ। टाइम पास करना है अभी दो दिन और, दो दिन के बाद मंडे से मैंने सुना है कि लॉकडाउन खुल जाएगा और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, मतलब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा सैटरडे संडे। तो बाकी के दिनों में जो कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊँगा आपको। और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, दिक्कतबाजी की रोज़ मेरी नींद 10 बजे खुल रही है सुबह, और मैं सुबह कोशिश करता हूँ उठने की 8 बजे के करीब, लेकिन नहीं हो पाता। मतलब कभी कभार उठ जाता हूँ लेकिन कभी कभार नहीं उठ पाता मैं, तो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके बावजूद 10 बजे उठने के बावजूद भी थकान इतनी रहती है, या तो एक्सरसाइज करता हूँ रात को या सुबह, एक रूटीन बनाना पड़ेगा या तो एक्सरसाइज का कि शाम को करनी है या सुबह करनी है। अगर मैं दोनों टाइम कर लेता हूँ तो हो सकता है थोड़ी थकान ज़्यादा हो जाती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं लगता मुझे एक्सरसाइज की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये रूटीन सुधारना पड़ेगा मेरे को अपना। तो आप लोग भी बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। छत पे आ चुका हूँ और बहुत, मतलब गहरी नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, एक घंटा कम से कम या फिर दो घंटे शायद, दो या ढाई घंटा एकदम मैं खाना वाना खाया जो आपको दिखाया था मैंने, फिर मैं एक थोड़ी देर के लिए लेटा ही था, एकदम ही नींद आ गई। और अब जाके उठाऊँ, फेस वगैरह वॉश करके आऊँ पूरा अच्छे से छत पे, और छत पे आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छत पे आके ऐसा लगता है कि मतलब एक मोटिवेशन सा मिलता है छत पे आके, मतलब इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता। छत पे आके मुझे बहुत बढ़िया खुशी मिलती है कि अगर टेंशन फ्री मुझे होना है, अगर किसी चीज़ को मैं बार बार सोच रहा हूँ और मुझे टेंशन है किसी चीज़ से, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा छत पे आ जाता हूँ और अपना अकेला इधर उधर वॉक करने लग जाता हूँ। और बाकी छत पे आके अच्छा भी लगता है, पूरा खुला खुला आसमान को भी छत पे अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को अच्छा लगता है छत पे आना, क्योंकि मेरा तो मन करता है कि शाम के टाइम ज़रूर छत पे आऊँ एक बार, तो क्योंकि अभी इस वक्त धूप भी बहुत हल्की हो गई है, तो अभी शाम के बाद 5:30 बज रहे हैं शायद, और इस समय पतंग भी उड़ रही है हवाओं में, फीलिंग आती है, अच्छी सी फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलती है छत पे आके। और एक मोटिवेशन वाली चीज़ क्या है छत पे, कि जब भी मैं छत पे आता हूँ, एक तो एयरपोर्ट मतलब अपना थोड़ा पास में तो नहीं है, लेकिन जब प्लेन टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं तो हमारी छत से दिख जाते हैं, तो एयरप्लेन देख के भी मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन सा मिलता है। और बस आप इसको कुछ भी कह सकते हो, आप बचपना कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मन करता है कि एक मोटिवेशन मिलती है, एक फीलिंग अच्छी फीलिंग सी आती है, गुड फीलिंग आती है, तो सारी टेंशन भूल भाल के छत पे घूमना मज़ा आता है यार। तो देखा जाए तो हर बंदे के अंदर बचपना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बचपना नहीं होगा तो हर बंदा सीरियस, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा, इसलिए बचपना होना बहुत ज़रूरी है। और इस समय हवाएं भी कितनी अच्छी चल रही हैं, बहुत मज़ेदार हवाएं चल रही हैं, बस मज़ा आ गया छत पे। मतलब नीचे था जब तक मैं, तब तक मेरे को थोड़ा सिर में भी दर्द हो रहा था मेरे को नीचे, और अभी मैं सिर का दर्द भी भूल गया हूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही है छत पे, तो सर दर्द भी थोड़ा दूर हो गया मेरा, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है जो भी है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी आया था छत पे 5:30 के बीच में, क्योंकि छत पे कोई होता नहीं है और शाम के टाइम पे 6:30 के करीब लोग आ भी जाते हैं, मतलब हमारी देखो घर में तो सब लोग ही हैं, कोई ना कोई ऊपर आ जाता है, तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा ब्लॉग नहीं भी कर पाता, तो थोड़ा खाली टाइम भी मिल जाता है अकेले रहने में, और अकेले घूमने का जो मज़ा है ना मेरे को, और उसमें ब्लॉग भी अच्छा बनता है क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करता कोई। कि वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी वही मैं चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे आपका भाई धीरे धीरे सारे काम करेगा, धीरे धीरे कैमरा आएगा, लाइटिंग आएगी, इक्विपमेंट्स आएंगे, अपना ट्राइपॉड आएगा, मतलब सब सेटअप मैं धीरे धीरे अरेंज कर लूँगा, तो उस चक्कर में थोड़ा
आप भी सपोर्ट अपना, लेकिन आप धीरे धीरे सपोर्ट मत दिखाना अपना मेरी तरह, आप तेजी से अपना सपोर्ट दिखाओ, अपने भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ अपने भाई को। और अभी नीचे चल के थोड़ी देर बाद, अभी नहीं कम से कम आधा घंटा पौना घंटा मैं घूमूंगा, और फिर नीचे जाके मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन कर रहा है वो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे बना रहा हूँ। और बहुत इजी तरीका है कि घर में कोई भी बंदा अगर बनाएगा ना, बहुत ही ईजी तरीका है, कोई भी बना लेगा। अगर इस समय आपको धूप लग रही है ज़्यादा, मेरा फेस पता नहीं क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी मुझे भी स्क्रीन में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है क्लियर ही आ रहा होगा। और आवाज़ भी आपको अच्छी आ रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है। वैसे तो देखा जाए मेरा फ़ोन, मैंने इस फ़ोन को पिछले साल लिया था 2019 में लिया था मैंने ये फ़ोन अपना सैमसंग का, तो बहुत ही अच्छा किया ये मैंने फ़ोन ले लिया, क्योंकि मेरा एक एम आई का फ़ोन था पुराना रेडमी 5A, जो कि बीच में ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने ठीक कराया तो वो ठीक नहीं हो पाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक नया फ़ोन बढ़िया होना चाहिए व्लॉगिंग के लिए, तो फिर मैंने वो बाद में ठीक कराया उस फ़ोन को। हालांकि मैंने क्या था कि वो फ़ोन ठीक हो जाता तो फिर नया फ़ोन नहीं मिलता, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि नया फ़ोन की ज़रूरत क्या है जब पुराना फ़ोन तुम्हारा चल रहा है। अगर ये फ़ोन नहीं ले पाता तो 100% गारंटी है मेरे ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाते, क्योंकि इस फ़ोन की वजह से मेरे ब्लॉग भी शूट हो रहे हैं। इस फ़ोन की क्लैरिटी अच्छी है, और इस फ़ोन की नॉइज़ जो अभी आपको आवाज़ आ रही है और ये हवाएं जो चल रही हैं, ये थोड़ी नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी बहुत अच्छी है। मेरी वॉइस डायरेक्ट ये अपने मतलब कवर करता है मेरी वॉइस को, तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है। कैमरा भी अच्छा है इस फ़ोन का, बस सैमसंग की दिक्कत क्या है कि हैंग होने की प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना है, आप लोगों को मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना है अपने भाई को, क्योंकि यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन और अच्छे से मिलता है जैसे जैसे वीडियोस का रिस्पांस मिल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, तो ये देख के एक अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इस मोटिवेशन को प्लीज़ बरकरार रखना, जितना हो सके अपने भाई को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो अपने भाई को।